नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी झाबुआ में 7500 करोड़ की देंगे सौगात। पिछड़ी जाति की 2 लाख महिला लाभार्थियों को जारी करेंगे मासिक किस्त। रांची में राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन, अमित शाह और जेपी नड्डा आ सकते हैं झारखंड। तिलका मांझी की जयंती पर सम्मेलन, बीजेपी एसटी मोर्चा की ओर से सम्मेलन आयोजित। आचार्य प्रमोद कृष्णम पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से किए गए निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधि और बयानबाजी पर कार्रवाई। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पूरी कैबिनेट ने की रामलला के दर्शन, राम जन्मभूमि में ही लंच का कार्यक्रम भी। सीएम योगी के साथ मंत्री विधायकों ने किए रामलला के दर्शन, गर्भगृह में बैठकर राम भजन गाए, पूजा की। सतीश महाना बोले, मैं बहुत भावुक हो गया हूं। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार का सियासी पारा हाई, तेजस्वी के घर बैठक के बाद सभी आरजेडी विधायकों को रोका गया। नीतीश कुमार ने बुलाई विधायकों की बैठक, हमने भी जारी किया व्हीप। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले शाह ने संभाली कमान, गया में बीजेपी विधायकों से वर्चुअल मीटिंग, तेजस्वी आवास पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस सांसद धीरज साहू में से आज फिर होगी पूछताछ, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। सुबह 11 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, धीरज साहू से कल भी हुई थी 11 घंटे तक की पूछताछ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि गर्भगृह मुक्ति के लिए कृष्ण भक्तों और सनातन समाज को एक करने की कवायद तेज। दिल्ली में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर 18 से 25 फरवरी को बड़ा आयोजन करने जा रहे। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील, सिंगू टीकरी पर बैरिकेटिंग, कीले और ठोकी गई कंक्रीट बिछाया गया। 7 जिलों में इंटरनेट बंद, 64 कंपनियां तैनात। भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीती तो इंडिया जिम्मेदार, गुलाम नबी बोले, मैं ना तो बीजेपी के नजदीक हूं ना ही कांग्रेस से दूर। महाराष्ट्र के रूलिंग पार्टी शिवसेना के विधायक संतोष बांगड़ ने स्कूली बच्चों से की अपील, आपके माता पिता मुझे वोट ना दे तो खाना मत खाना। एनसीपी ने की कार्रवाई की मांग। दिल्ली में कोहरा, श्रीनगर में पारा 2 डिग्री सेल्सियस, एमपी यूपी सहित 8 राज्यों में बारिश की संभावना, पंजाब राजस्थान में शीतलहर। मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को उड़ाने की धमकी, ईमेल भेजने वाले ने खुद को अमेरिकी नागरिक बताया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मुंबई के नेता बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल, 8 फरवरी को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा, बोले मुझे करी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा के मामले में एक महिला जज की एफआईआर रद्द कर दी, कहा यह पति पत्नी का आपसी मामला, लोक सेवा में बाधा का नहीं। दिल्ली से श्रीनगर इसी महीने ट्रेन चलने की संभावना, 12 घंटे लगेंगे। कटरा ट्रैक 97% तक पूरा, इसके शुरू होते कश्मीर से जुड़ जाएगी राजधानी। भाजपा को कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा फंडिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2023 से मिले 1300 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मिले 171 करोड़।
वित्त मंत्री का कांग्रेस पर वार, बोली कांग्रेस ने गुड़ का गोबर किया, पूर्वोत्तर को भुला दिया। मनमोहन सिंह 28 साल असम से सांसद भी रहे, वहीं कुछ भी कर लेते। झाबुआ में पीएम मोदी का सभा स्थल पर रोड शो, थोड़ी ही देर में सभा को संबोधित भी करेंगे। टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इंडिगो का प्लेन टैक्सीवे से चुका, 15 मिनट तक ब्लॉक रहा रनवे। हरियाणा के 7 जिलों में 3 दिन इंटरनेट बंद, डोंगल और बल्क एसएमएस पर भी रोक। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच से पहले लिया गया फैसला। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में घर में भीषण आग लगी, दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद। हल्द्वानी हिंसा में 5 आरोपी अरेस्ट, 8 फरवरी में से इंटरनेट बंद, 5,000 लोगों पर केस दर्ज, 6 लोगों की मौत भी हुई थी। जेडीयू के भोज में 6 विधायक नदारद, तेजस्वी के घर रोके गए। आरजेडी के विधायक गया नहीं पहुंचे, 2 भाजपा एमएलए फ्लोर टेस्ट के पहले हलचले तेज। बच्चे के फेफड़े में फंसी 4 सेंटीमीटर की सुई, एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने निकाली, पहली बार ओपन सर्जरी नहीं की गई। पंजाब में अकाली दल बीजेपी में कुछ तय नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने अटकलों को किया साफ, कहा बातचीत अभी भी। बजट सत्र का आखिरी दिन, पीएम मोदी बोले 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ, इसी सदन में अनुच्छेद 370 हटाया गया। बजट सत्र के दौरान ओवैसी ने बीजेपी को घेरा, बोले क्या मोदी सिर्फ एक मजहब की सरकार, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। शाह ने कहा हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का इंडिया को लेकर बड़ा झटका, पंजाब चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग से इनकार, लुधियाना में ऐलान, सभी 14 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। हल्द्वानी हिंसा में तीसरे दिन भी कर्फ्यू, स्कूल इंटरनेट बंद, 5,000 उपद्रवियों पर मुकदमे, इलाका अर्धसैनिक बलों के हवाले, कांग्रेस ने कहा जल्द से कराए जांच। किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, कहा 12 जनवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर मार्च करेंगे। चुनाव से पहले शाह का ऐलान, बोले सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा, ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा, मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा। अयोध्या वीकेंड पर हाउसफुल, हनुमानगढ़ी के बाहर 1 किलोमीटर लंबी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत, 121 फाइटर प्लेन तैनात किए गए, राफेल मुखोई के साथ प्रचंड और रुद्र भी शामिल, 15,000 जवान पहुंचे। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अरेस्ट, बनभुलपुरा इलाका अभी भी सील, इंटरनेट सेवाएं बहाल, 4th दिन दूध दवाओं की सप्लाई। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, पीएम नरेंद्र मोदी बोले उन्होंने अपने दौर में महिला अधिकार की बात कही, हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स के बीच झड़प, दावा धारदार हथियार से हमला किया गया, स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट पर पानी भी फेंका गया। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर एनआईए के छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में यह एक्शन लिया गया। तमिलनाडु में कार बम ब्लास्ट को लेकर 27 जगहों पर सर्चिंग अभियान जारी। ज्वेलरी कारोबारी और उसकी बेटी की हत्या, गला रेत कर मारा, घर में लगे 15 सीसीटीवी बंद, बेटा बहू को भनक तक नहीं लगी।
ऑपरेशन थिएटर में प्री वेडिंग शूट करने पर कर्नाटक के डॉक्टर को बर्खास्त किया गया। मंगेतर के साथ फेक सर्जरी की थी। हेल्थ मिनिस्टर बोले हॉस्पिटल पर्सनल काम की जगह नहीं। भारत म्यांमार बॉर्डर सील करने के विरोध में पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम और नागालैंड के सीएम भी फैसले के खिलाफ। आंदोलन की तैयारी में पूरा संगठन। पुणे में पत्रकार निखिल वागले की कार पर हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी, शीशे तोड़े। पीएम मोदी आडवाणी पर भी की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली कूच पर अड़े किसान। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। सिंघू और टीकरी पर बैरिकेटिंग की ले ठोकी गई। कंक्रीट बिछाए गए। 7 जिलों में इंटरनेट बंद। 64 कंपनियां तैनात की गई। मुंबई में रद्द करनी पड़ी 147 ट्रेनें। मोटरमैन के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। दूसरे ट्रेन ड्राइवर ठप हुई रेल सेवा। सलमान पर गैंगस्टर लॉरेंस कभी भी हमला करवा सकते हैं। नेहरा बोले कि हर राज्य में उसके 300 से ज्यादा गुर्गे, विदेशों में भी मर्डर कराए गए हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने पीएफ पर ब्याज दर बढ़ाई। अब अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% इंटरेस्ट मिलेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा। आरबीआई की कार्रवाई के बाद संजीनी कुमार और मंजू अग्रवाल बोर्ड से हटी। पंजाब के मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जीवाड़ा। 40% घटे मरीज। फेक डेटा एंट्री के शक में लुधियाना के 28 क्लिनिकों को नोटिस दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे न्याय की मांग की। चिट्ठी में लिखा, मुझे न्याय चाहिए, आपके समर्थकों ने मुझे और पिता को ट्रोल किया। पाकिस्तान में चुनावी सरगर्मियां तेज। इमरान समर्थक 62 सीटों के साथ सबसे आगे। पीटीआई कार्यकर्ताओं का 19 शहरों में प्रदर्शन। आरोप, जनादेश चोरी किए जा रहे। मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ लेगा विदेश मंत्रालय ने कहा। तीसरे दौर की बातचीत जल्द ही होने वाली। माले को मदद घटाने से भी इनकार। यूएस में 5 साल जासूसी करते रहे चीनी हैकर्स। अमेरिकी सिक्योरिटी ग्रुप की रिपोर्ट में खुलासा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बीजिंग के टारगेट पर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आर्मी चीफ को हटाया। कहा, जनरल वैलेरी का शुक्रिया, हम फौज में अब बड़े बदलाव करना चाहते हैं। इसराइल हमास सीजफायर के लिए नई पहल। सऊदी अरब में 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिले। हमास बोला, जंग जल्द ही रोकी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्किंग लॉ बिल पास। ऑफिस के बाद बॉस का फोन भी उठाना जरूरी नहीं। 20 देशों में वर्क लाइफ बैलेंस कानून बना हुआ है। चीन रूस के साथ नेवी एक्सरसाइज करेगा। ईरान मार्च के आखिरी में होने वाली ड्रिल के लिए कई देशों का न्योता। नाटो को जवाब की तैयारी। चीन रूस के साथ नेवी एक्सरसाइज करेगा ईरान। लंदन के क्रिमिनल कोर्ट की बिल्डिंग में धमाके के बाद आग। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद। अफरा तफरी का माहौल। हमास ने 3 फेज में 135 दिन का सीज फायर मांगा। कहा, इसके बाद जंग खत्म करने का समझौता करेंगे। यूएन और 4 देश गारंटर होंगे। करप्शन मामले में श्रीलंकाई मंत्री गिरफ्तार। कैबिनेट मिनिस्टर पर कैंसर की नकली दवाइयां खरीदने का आरोप। प्रेसिडेंट को कहने पर इस्तीफा दिया। अमेरिका में भारतीय छात्र पर हमला। 3 लोगों ने पीछा करके पीटा, फोन छीना। इंडियाना में मिला भारतवंशी स्टूडेंट का शव। भारतवंशी ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। वो भारत में जन्मे पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर। पीएम सुनक ने भी गीता पर ही शपथ ली थी।
म्यांमार में रहने वाले भारतीयों की एडवाइजरी जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा रखाइन प्रांत ना जाएं, वहां रह रहे भारतीय फौरन निकले। पाक नेवी ने 9 भारतीय नाविकों को रेस्क्यू किया, मेडिकल मदद, खाना पीना भी दिया। कराची के पास जहाज के जनरेटर में आई थी खराबी। जेल जाना चाहती है बुशरा, पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी की हाईकोर्ट से अपील, कहा मैं भी आम नागरिक, मुझे भी आडियाला जेल भेजा जाए। ईरान में इंडियन टूरिस्ट को अब वीजा की जरूरत नहीं, 15 दिन ठहर सकेंगे। इसका फायदा सिर्फ उन टूरिस्ट को होगा जो एयर ट्रैवल यानी कि हवाई मार्ग से ईरान जाएंगे। बाइडेन का एक बार फिर से मजाक उड़ा, मैक्रो की जगह दिवंगत फ्रेंच प्रेसिडेंट का जिक्र किया। नए पोल में ट्रंप को दोगुनी बढ़त भी मिली। सुनक के मंत्री पर इंफोसिस की मदद का आरोप, मंत्री बोले ब्रिटेन में कंपनी की तरक्की के लिए काम करेंगे, इंफोसिस में अध्यक्षता भी हिस्सेदार। पंजाब में बीएसएफ ने पकड़े 2 घुसपैठिए, पेपरों में फेल होने के डर से पाकिस्तान से आया नाबालिग, गुरदासपुर से पकड़ा गया अफगानी। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स को कैंसर हुआ, पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजशाही छोड़ चुके बेटे प्रिंस हैरी भी मिलने पहुंचे। मिर्जापुर में गुड्डू पंडित के पापा बने राजेश तेलंग, 10x10 के कमरे में 11 लोगों के साथ रहे, कभी सर्कस में काम के लिए छोड़ा था घर। ट्रोलिंग से परेशान अंकिता लोखंडे ने डिलीट किया अपना अकाउंट, बोली सोशल मीडिया स्ट्रेस से बचने के लिए उठाई ये कदम। शादी के 11 साल बाद ईशा देओल ने लिया तलाक, मलाइका से लेकर ऋतिक तक किसी ने 24 तो किसी ने 21 साल में तोड़ी थी शादी। सोलह साल छोटी लड़की से शादी पर अरबाज का रिएक्शन, बोले जिन कपल्स के बीच एज गैप ज्यादा उनका रिश्ता ज्यादा टिकता है। क्रैक जीतेगा तो जिएगा का ट्रेलर हुआ रिलीज, हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन्स परफॉर्म करते हुए दिखे विद्युत जामवाल। फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होने वाली है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का रिव्यू आया सामने, कृति शाहिद की खूबसूरत अदाकारी, कॉन्सेप्ट अच्छा लेकिन ढंग से दिखाने में नाकाम रहे। आमिर खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म लापता लेडीज के प्रमोशन में बिजी, वहीं एक इंटरव्यू के दौरान आमिर ने लापता लेडीज को लेकर कहा ये हमारे बैनर की बेहतरीन फिल्मों में से एक। अपकमिंग फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर रिलीज होने पर विरोध शुरू हो गया। इसी बीच फिल्म मेकर आदित्यधर बोले आर्टिकल 370 प्रोपेगेंडा बेस्ड नहीं बल्कि मौजूदा सरकार को चुनाव जीतने के लिए मेरी फिल्म की जरूरत नहीं। बिग बॉस 17 खत्म होने के लिए बाद मेकर्स ने शो का सक्सेस पार्टी रखी, बड़े मियां छोटे मियां का मेकिंग वीडियो आउट। तो बड़े मियां छोटे मियां का मेकिंग वीडियो आउट, अक्षय और टाइगर की जोड़ी जबरदस्त एक्शन सीन्स परफॉर्म करती हुई दिखी, फिल्म ईद पर रिलीज होगी। पिता इरफान को याद कर इमोशनल हुए बाबल खान, पोस्ट शेयर किया, लिखा काश आखिरी बार आपके साथ डांस कर पाता लेकिन आपको फिर से ढूंढूंगा। कैंसर पीड़ित बच्चों से मिले सलमान खान, लुधियाना का जग्गू बोला कैसे मानूं आप ही सलमान हो, सलमान बोले बाइसेप्स और ब्रेसलेट टच करके देखो। सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म कागज 2 का ट्रेलर रिलीज, अनुपम खेर और नीना गुप्ता भी दिखे, फिल्म 1 मार्च को रिलीज होगी। पेरेंट्स बनने वाले हैं ऋचा चड्ढा और अली फजल, शादी के 4 साल बाद पहले बच्चे का करेंगे वेलकम, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी।
सैफ अली खान ने आदि पुरुष की असफलता पर तोड़ी चुप्पी, बोले मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूं कि कुछ भी कह सकूं। एल्विश ने कुशा कपिला को कहा सस्ती करीना कपूर, अब एक्ट्रेस का रिएक्शन आया सामने, बोली बिना परमिशन रामलीला गलत है। गोविंदा के साथ रिश्ता सुधारने की कृष्णा ने की पहल, बोले भले हमारे बीच अनबन है लेकिन बहन की शादी में सबसे पहला कार्ड मामा को ही जाएगा। इंग्लैंड से आखिरी तीन टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कोहली और श्रेयस बाहर, जडेजा राहुल की वापसी, बुमराह भी खेलेंगे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर फ्रेंचाइजी लीग ऑर्गेनाइजर का विरोध, बोले 2025 में टूर्नामेंट के साथ टी20 लीग कराना मुश्किल, शेड्यूल चेंज करे आईसीसी। सिंगल आईडी कंपनी के एक प्रोग्राम में धोनी हुए शामिल, मीडिया से बात करते हुए कहा कि लीडर के तौर पर प्लेयर्स का भरोसा जीतना जरूरी, जब आप प्लेयर्स के वफादार बनेंगे तब भी टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। निशाखा वनडे में डबल सेंचुरी जमाने वाले पहले श्रीलंकाई बैटर, अफगानिस्तान को 42 रन से हराया, नबी उमर जई के बीच 242 रन की साझेदारी से रोमांच बढ़ा। पुजारा ने रणजी ट्रॉफी में शतक जमाया, राजस्थान के खिलाफ सौराष्ट्र के लिए 110 रन की पारी खेली, मुंबई के लिए शो की वापसी। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।